हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शगुन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब गर्मियों का सीजन आ गया है, समर्स का सीजन आ गया है और गर्मियां काफी जोरों शोरों से अपना काम कर रही हैं और आने वाले टाइम में भी, मतलब आने वाले मंथ्स में भी गर्मियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि गर्मियां कम हो जाएंगी। तो ऐसे में जब हमें टैनिंग हो जाती है, डर्ट पॉल्यूशन से हमारे ब्लैकहेड्स हो जाते हैं और डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, हमारे फेस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, हमारे नेक का, हमारे फेस का, हमारे हैंड्स का, हमारे लेग्स का कलर चेंज हो जाता है कि हमारे फेस का कलर कुछ और है, हमारे हैंड्स का कलर कुछ और है, हमारी नेक का कलर कुछ और है। तो ऐसे में जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि गर्मियों में हमारी स्किन ग्लो नहीं करेगी, हमारी स्किन ग्लोइंग और शाइनी नहीं रहेगी, हमारी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, तो इन सब चीजों से परेशान होकर हम एक सॉल्यूशन अपनाते हैं। हमें एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि हम पार्लर में जाएं और महंगी से महंगा ट्रीटमेंट लें, या तो महंगे से महंगा फेशियल लें या महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लें, बॉडी पॉल्यूशन कराएं जिससे कि हमारी टैनिंग रिमूव हो सके, हमारी जितनी भी डॉट पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हुई है वो सारी रिमूव हो सके। तो जो लोग पार्लर्स वगैरह जाते हैं काफी सारे महंगे महंगे फेशियल्स कराने, काफी महंगे महंगे बॉडी स्क्रब कराने, बॉडी क्लीन कराने, बॉडी पॉलिशिंग कराने, तो उन लोगों को पता होगा कि इन सब का खर्चा कम से कम 2 से 3 हजार रुपए आता है, जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और काफी बारी तो ऐसा होता है, हम इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, मतलब इतना महंगा महंगा फेशियल, इतना महंगा बॉडी पॉलिशिंग अपने पूरी बॉडी पर करा लेते हैं, बट हमें अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता और हमें साइड इफेक्ट और हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट हमारे फेस को, हमारी स्किन को सूट नहीं करता है और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा निखार बढ़ने की बजाय दिन प्रतिदिन घटने लगता है। तो अगर आप लोग भी इस सब परेशानियों से परेशान हैं, इन सब समस्याओं से परेशान हैं, तो आज मैं इस वीडियो में उन समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो समाधान कौन कौन से हैं तो वीडियो को स्टार्ट करना पड़ेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, एक बॉडी पॉलिशिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियों में डर्ट पॉल्यूशन के कारण हमारी स्किन पर काफी ब्लैक हेड्स, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग हो जाती है, उससे हम कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि काफी बारी ऐसा होता है हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं बट उनसे भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे में अब मैं आपको एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी टैनिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सीरियसली इस होम रेमेडी का रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं, काफी सारी रेमेडीज होती है कि हमें एक बारी करने में रिजल्ट नहीं देती है, हमें काफी बारी, मतलब हमें 4-5 बार, 6-7 बार या 15 दिन तक लगातार उस रेमेडी को फॉलो करना पड़ता है, जब हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पर निखार आता है, जो भी काफी सारी क्योंकि ये होम रेमेडीज होती हैं, नेचुरल होती हैं, कोई भी केमिकल उनमें नहीं होता है, तो अपना काम दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें भी, बट ये जो रेमेडी है ये 100% नेचुरल है एंड 100% इफेक्टिव है, जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्लींजर, जिसके लिए आपको चाहिए 1 स्पून कॉफी पाउडर एंड सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है रॉ मिल्क, मींस कच्चा दूध, वो भी ठंडा, फ्रिज में रखा हुआ आपको कच्चा दूध चाहिए। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का लिक्विड ही रखना है हमको इसको, ठीक है। होता है ना, हम थिक सा पेस्ट बना लेते हैं, हमें थिक सा पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा इसको लिक्विड ही रखना है, ठीक है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, कोई इस तरह से पेस्ट बना लेना, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी आपको वीडियो में दिख रही है, ना इससे ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा हल्की। फिर इसमें कॉटन को डिप करके, आप कॉटन बैड भी ले सकते हो, कॉटन को मैंने इसमें डिप किया, फिर इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है आपको, इस कॉटन की ही हेल्प से पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है इसे। और इसको अप्लाई करने से पहले आपका फेस वॉश हुआ होना चाहिए, आपका फेस क्लीन होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको नॉर्मल फेस वॉश से फेस वॉश करके इस वाले स्टेप को फॉलो करना है, अच्छे से अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, कॉफ़ी का और
कच्चे दूध का ये जो मिक्सचर है हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, नेचुरली उसका कलर निखारने के लिए, स्किन को ग्लोइंग शाइनी बनाने के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं दोनों ही। कॉफ़ी जो है हमारी स्किन से डेड स्किन को निकालने में हेल्पफुल होती है और हमारे स्किन को डीपली जाकर क्लीन करती है, और कच्चा दूध जो होता है इसके अंदर हमारे रंग को निखारने की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरह से आपको अपने पूरे हैंड्स पर, पूरे फेस पर, पूरी नेक पर, आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आपको टैनिंग है या डार्क स्पॉट्स की, पिंपल्स की, पिगमेंटेशन की, डार्कनेस की प्रॉब्लम है, आप वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कीजिए। आप इसको फुल बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में जस्ट फेस पर, अपने हैंड्स पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपको इसी तरह से अप्लाई करना है, कॉटन की हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से आपको अच्छे से अपने हैंड्स पर, अपने नेक पर, अपने इस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। फिर थोड़ी देर मसाज करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है, आपको तुरंत वॉश नहीं करना है, आपको मसाज करके हल्का सा ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी स्किन को अच्छे से डीपली क्लीन करेगी। आप इसको अपने लेग्स पर, अपने हैंड्स पर, देखिए मैं किसी भूत सी लग रही हूँ, आप हर जगह इसको अप्लाई करके आप इसको 10-20 मिनट्स तक के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब तक कि ये अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व ना हो जाए। जो कॉफ़ी का और ये कच्चे दूध का वो है मिक्सचर, ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पैरिटेट ना हो जाए। फिर उसके बाद आपको हल्का सा मसाज करना है, क्योंकि जो कॉफ़ी के ब्रिसल्स होंगे, कॉफ़ी के जो दाने होंगे, वो मसाज करने पर निकल जाएंगे। देखिए आप वीडियो में देख रहे हो ना, जब आपका ये मिक्सर सूख जाएगा तो आप हल्का सा मसाज करोगे तो वो अच्छे से निकल जाएगा। आपको अपने फेस पर, अपने हैंड पर, जहाँ जहाँ आपने मिक्सर को लगाया था, आपको मसाज करना है और इसको कॉफ़ी को निकाल देना है। जितना निकलती है उतनी ठीक है, बट मसाज करना है हल्का सा। मसाज करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फिर वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है, अपने हैंड्स को वॉश कर लिया है। सिर्फ अभी वन ही स्टेप हुआ है, एक ही स्टेप हुआ है और आप फेस पर ग्लो देख सकते हो। फ्रेंड इस रेमेडी का रिजल्ट जो है ना, आपको हैंड टू हैंड दिखेगा। ठीक है, आप देख रहे हो मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया। सेकंड जो हम पेस्ट बनाएंगे उसके लिए आपको नींबू चाहिए। नींबू का आपको रस नहीं चाहिए, आपको ये जो नींबू के ऊपर, ये लेमन के ऊपर येलो येलो सी पीली पीली जो परत दिख रही है, इसको आपको कद्दूकस कर लेना है, अच्छे से कस के आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑयल होता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर आपको 1 स्पून बेसन, 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर एंड इसको अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए जितनी कंसिस्टेंसी ठीक हो उतना आपको चाहिए कच्चा दूध। यहाँ पर आप दही भी ले सकते हो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो। फिर आपको इसमें हाफ लेमन चाहिए, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। देखिए पेस्ट, और फ्रेंड सीरियसली इसकी जो खुशबू थी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ये पेस्ट जो था ना काफ़ी सेटिस्फाइंग सा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और क्योंकि जो हमने इसमें लेमन के ऊपर का जो येलो सी परत डाली थी उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी, और जो हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डाला है सारे ही हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, हमारे पिंपल्स को, हमारे डार्क स्पॉट्स को, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है टैनिंग को, सबको रिमूव करने में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इस मिक्सचर के आगे, इस बॉडी पॉलिशिंग के आगे मार्केट के, पार्लर के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स फेल हैं। सीरियसली आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कराते हो, आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हो पार्लर में, बट इस रेमेडी को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको उन महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस पेस्ट की काफ़ी थिक सी लेयर, काफ़ी मोटी सी लेयर अपने पूरे फेस पर, नेक पर, अपने हैंड्स पर अच्छे से लगा लेना है, जहाँ जहाँ आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ आपको जो जो प्रॉब्लम है आप अच्छे से लगाइए और उसको अच्छे से रब कीजिए। आप इसको पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपको उस तरह से बिल्कुल लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। अपने अपनी एल्बो पर आप लगाइए, क्योंकि हमारी एल्बो के साइड का एरिया काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा रहता है, काफ़ी डार्क रहता है, तो आपको इस तरह से लगा लेना है। देखिए मैं अपनी एल्बो पर भी लगा रही हूँ, आपको इस तरह से अपनी एल्बो पर भी लगा लेना है। आप इसको फुल हैंड पर, फुल लेग पर, फुल बॉडी पर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, और इसको ऑल स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है। तो आपको अच्छे से सुखा लेना है इसको,
15 या 20 मिनट लगेंगे इसको सूखने में, आप इसको अच्छे सूखने दीजिए। फिर उसके बाद आपको तुरंत ऐसे ही नहीं छुटा लेना है, ऐसे ही फेस वॉश नहीं कर लेना है। उसके बाद आपको इस मिक्सचर को गीला करना है पानी की हेल्प से। कोई टोनर नहीं लेना, कोई रोज वाटर नहीं लेना, सिर्फ इसको आप पानी की हेल्प से नॉर्मली गीला कीजिए और अपने फेस को मसाज कीजिए। आपको नॉर्मली नहीं धुलना है, आपको अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि जो भी हमारी डार्कनेस होगी वो मसाज करने से निकल जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे से मसाज करनी है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो। फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी नहीं, क्योंकि इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रेमेडी ना मेरी अब तक की सबसे फेवरेट रेमेडी बन चुकी है, क्योंकि इस रेमेडी का रिजल्ट ना फ्रेंड्स वाओ, आप जब भी इसे ट्राई करोगे आपके मुंह से एक ही साउंड निकलेगी, वाओ। बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है, आपको अपने हैंड्स का जो आपने मिक्सचर लगाया था उसको भी हल्का गीला करना है पानी की हेल्प से, फिर उसको आपको रब करना है अच्छे से रब करना है। रब करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। फ्रेंड, मैं इस वीडियो को स्किप भी कर सकती थी, आपको आपके साथ इस स्क्रब को करने के बाद मतलब लगाने के बाद डायरेक्ट फेस वॉश करके भी मिल सकती थी, बट मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाना चाहती थी। मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्लो आप देख रहे हो ना फेस पे। और हाँ सॉरी, टी शर्ट को आप माइंड मत करना, वो टी शर्ट गीली हो गई है क्योंकि मैंने अपने फेस को वॉश किया था और वो गंदी भी काफ़ी हो गई है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था बाद की वीडियो शूट करने के लिए। ठीक है, तो आप रिजल्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। कोई मेकअप नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, मेरे हैंड्स का और मेरे फेस का कलर जो है बिल्कुल मैच लग रहा है, अलग अलग नहीं लग रहा, नेक का और फेस का कलर बिल्कुल मैच लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल अलग अलग सा है, शाइन देख रहे हो आप फेस पे। बहुत अच्छी रेमेडी है ये। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आप लोगों को वो छोटा सा सिर्फ 2 स्टेप का बॉडी पॉलिशिंग करना बताया है। और फ्रेंड, इसको ऐसा नहीं है कि आप अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपनी हैंड्स पर करेंगे, ऐसा नहीं है, आप इसको अपनी फुल बॉडी पर भी कर सकते हो। जहां जहां आपको टैनिंग है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, आप वहां वहां इसको कर सकते हो। और फ्रेंड्स, सीरियसली आप किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप इन इन चीज़ों से कीजिए। नहीं, मैं नहीं कहती कि आप मेरी भी बात पर बिलीव करें, आप किसी की भी बात पर बिलीव करें, आप पहले उस चीज़ को खुद ट्राई करें, फिर आप उसका रिजल्ट देखें। फ्रेंड्स, सीरियसली जो मैं ये रेमेडी लेकर आई हूँ ना, मैं नहीं कहूंगी कि आप मेरी बात पर बिलीव कीजिए, आप इस रेमेडी को खुद फॉलो कीजिए, आपको रेमेडी इतनी पसंद आएगी क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ना इंस्टेंटली देखने को मिलता है। आपकी जो टैनिंग होती है, अब समर्स के सीजन में धूप में सब लोग निकलते हैं, कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो, कितनी भी प्रोटेक्शन ले लो, बट हमें टैनिंग हो ही जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे टाइम घर में रहेंगे, सब वर्किंग है, हर इंसान काम के लिए बाहर जाता है, ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल, बड़ा हो या छोटा हो, हर इंसान बाहर जाता है, तो उसको टैनिंग हो ही जाती है। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है ये, और इस समस्या का एक ही समाधान है, या तो आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट लो पार्लर में जाकर, या आप मेरी बताई हुई इस होम रेमेडी को कर लो, इसका रिजल्ट इंस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं कहती मेरी बात पर बिलीव करो, आप इसे खुद ट्राई करो, फिर आप मुझे आकर मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताओ कि इसका रिजल्ट है या नहीं है। इसका रिजल्ट 100% है, मैं इसका रिजल्ट 99% भी नहीं कह रही हूं, मैं इसका रिजल्ट 100% बोल रही हूं, क्योंकि मैं इसे खुद पर्सनली यूज करती हूं, मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं इस पॉलिशिंग को कर लेती हूं वीक में एक बार, या जब भी आपको टाइम मिले, आपको संडे का टाइम फ्री होता है, संडे का डे जो होता है फ्री होता है, संडे में आपको टाइम मिल जाता है, तो आप जब इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस मुझे इतना ही कहना था, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। और इसमें जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने यूज करे हैं, वो काफी सस्ते हैं, काफी बजट में हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं। नॉर्मली सबके घर में मिल जाता है, कॉफी सबके घर में मिल जाती है, दही सबके घर में मिल जाती है, दूध सबके घर में मिल जाता है, बेसन सबके घर में मिल जाता है, नींबू सबके घर में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी होम रेमेडीज की वीडियोस लाने के लिए। अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन रहता है, मैं वीडियो में क्लियर नहीं कर पाती हूँ उस क्वेश्चन को, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।